पाकिस्तान और इंग्लैंड आज से वनडे सीरीज का जो है उनकी आगाज होगा, दोनों टीमें टकराएंगी। लेकिन अगर स्टैट्स पे नजर डालें तो पाकिस्तान के स्टैट्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, लेकिन हमें यकीन है कि पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप से पहले ये सीरीज जीतेगी और मोमेंटम पकड़ेगी। स्टैट्स को अगर हम देख लें तो दोनों टीमों के दरमियान अब तक 82 वनडे मैचेस खेले गए हैं, जिनमें से 31 पाकिस्तान ने जीते हैं और 49 मैचेस पाकिस्तान हार गया है। इसके अलावा अगर दोनों टीमों की बायलैटरल सीरीज की बात करें, दो तरफा सीरीज, तो 17 सीरीज पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान अब तक हुई है, जिनमें 3 सिर्फ पाकिस्तान जीता है, 2 ड्रॉ हुई है और 12 सीरीज पाकिस्तान हार गया। अगर इंग्लैंड में जाके हम देखें कि पाकिस्तान टीम जब इंग्लैंड गई इंग्लैंड के टूर पर, तो वहां पर 10 सीरीज हुई जिनमें 74 की वही सीरीज पाकिस्तान ने जीती। उसके बाद जो है 8 सीरीज हम हारे और 1 सीरीज हम ड्रॉ करने में कामयाब हुए थे। इंग्लैंड में अगर मैचेस की हम बात करें, क्योंकि वहाँ वर्ल्ड कप के मैचेस खेले, चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस भी खेले, तो पाकिस्तान ने 42 मैचेस इंग्लिश सरजमीन पर खेले, जहां पर 15 हमने जीते और 28 मैचेस जो हैं वो 26 मैचेस हम वहां पर हारे हैं। आखिरी 9 साल की अगर बात करें, 2010 से अब तक पाकिस्तान ने जो है 19 मैचेस खेले, 5 जीते इंग्लैंड के खिलाफ और 14 हारे। लेकिन अच्छी बात यह है कि आखिरी मैच जो पाकिस्तान और इंग्लैंड का हुआ था वो चैंपियंस ट्रॉफी का सेमीफाइनल था, जो पाकिस्तान ने बहुत ही आउटस्टैंडिंगली जीता था। सरफराज अहमद कप्तान थे, सरफराज अहमद की कप्तानी में पाकिस्तान दूसरी मरतबा इंग्लैंड का सामना करेगा। अब तक सिर्फ एक ही मैच वो चैंपियंस ट्रॉफी का था जो हम जीते थे। अगर हम पाकिस्तानी बैट्समैनों की बात करें तो मौजूदा स्क्वाड में सिर्फ मोहम्मद हफीज एक ऐसे हैं जो टॉप स्कोरर जो है या टॉप 10 में आते हैं, उन्होंने 621 रन जो है बनाए हैं। अगर बॉलर्स की बात करें मौजूदा स्क्वाड के, तो वहां पे हसन अली हैं जिन्होंने 5 मैचेस में 11 रन बनाए, लेकिन वो भी 14वें नंबर पे हैं, मतलब टॉप 13 में कोई ऐसा बॉलर शामिल नहीं। बहरहाल स्टैट्स तो बुरे हैं, लेकिन हमें यकीन है पाकिस्तान अच्छा खेलेगा और इंग्लैंड के खिलाफ ये सीरीज जरूर जीतेगा। फिर दुआएं पाकिस्तान टीम के साथ हैं। विश यू गुड लक ग्रीन टीम।